आप कहते हो यार ये खाली लग रहा है कि मैं किसी चीज में ना मानू, आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग। ऐसे कैसे हो सकता है आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग, आई हैव टू बिलीव इन साइंस। यू डोंट हैव टू बिलीव इन साइंस, नो नो, यू बिलीव इन साइंस। नास्तिक हो ना तुम लोग, है ना, साइंस के पुजारी हो। नहीं, ऐसे नहीं है। आइंस्टाइन के पुजारी हो, न्यूटन के पुजारी हो, तुमने कभी देखा है ग्रेविटी को? तुमने कभी बिग बैंग को देखा है? तुमने कभी न्यूटन्स थियोरीज को एक्चुअली तुमने करके देखा है एक्सपेरिमेंट? नहीं, तो फिर मानते कैसे हो? क्योंकि बहुत सारे हमारे अराउंड बहुत सारी चीजें हैं जो उसके प्रूफ हैं। बिजली को प्रूफ मुझे नहीं करना पड़ रहा है, लाइट है, आप देख रहे हो, लाइट है, पंखा है, हर चीज है, जो फिजिक्स का एक मैनिफेस्टेशन है, जो हर चीज है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मैनिफेस्टेशन है हमारे पास आसपास, तो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन है। भगवान, भगवान का मैनिफेस्टेशन किधर है? तो इसलिए हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में नहीं मानते, उसमें मानने की जरूरत नहीं है, वो है, वो मान देखना पड़ता है, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नहीं, लेकिन तुम साइंस में मानते हो। तो साइंस में कोई नहीं मानता है, साइंस को एक्सपीरियंस करते हैं, और साइंस एक मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, उस मेथड से हम दुनिया को एनालाइज करते हैं। आइंस्टाइन कोई देवता नहीं है। आज अगर कोई कहेगा नहीं नहीं आइंस्टाइन ने जो कुछ भी कहा सब गलत था, और बिग बैंग नहीं हुआ, बिग बबल हुआ, तो ठीक है ना, अगर साइंटिफिकली उसे प्रूव किया जाएगा, कोई ऐसे नहीं कहेगा तुमने आइंस्टाइन का इंसल्ट कर दिया, कहेंगे हाँ ठीक है, वो प्रूफ आ गया है, सही लग रहा है, इट हैज बीन टेस्टेड, इट हैज बीन, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने दिमाग लगाया है, तो सही होगा, मान लेंगे। आइंस्टाइन गलत था, ठीक है, न्यूटन गलत था, ठीक है, कोई न्यूटन की इंसल्ट नहीं होगी, आइंस्टाइन का इंसल्ट नहीं होगा, साइंस का इंसल्ट नहीं होता है। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।